हाय एवरीवन, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान येलो बुक की। दोस्तों, आज हमारी ये 20वीं क्लास है। ऑलरेडी दोस्तों हमारी 19 क्लासें हो चुकी हैं। अभी तक दोस्तों आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान की जो येलो बुक है, पूरी बुक आपको पेज बाई पेज कम्प्लीट करवाए देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों आज 19 क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं, तो 20वीं क्लास दोस्तों स्टार्ट होने वाली है इस येलो बुक की। धीरे धीरे हम सभी पेजों को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस बुक में दोस्तों आपके टोटल 140 पेज हैं। तो 140 पेजों को दोस्तों पूरी बुक ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये बुक की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बुक को यदि आपने पढ़ लिया तो आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, एनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो दोस्तों आप जीके और जीएस में दोस्तों सबसे आगे रहोगे, सबसे टॉप पर रहोगे। यदि इसे एक बार यदि आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जीके और जीएस में बहुत ही अच्छा दोस्तों स्कोर ला सकते हैं। तो इस बुक को दोस्तों आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। फ्लिपकार्ट से दोस्तों इस परचेज कर लेना, आप लोगों को मिल सकती है ये फ्लिपकार्ट से, और हो सकता है आपकी दुकानों पर भी मिल जाए, लेकिन काफ़ी दुकानों पर दोस्तों ये बुक प्रोवाइड नहीं है। तो आप लोग जो हैं इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ये बुक कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, करीब 150-200 की बुक है। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। और यदि आप बुक परचेज नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये बुक वैसे भी मैं आपको कंप्लीट कराने का वादा किया है दोस्तों। तो आप इस बुक का यदि PDF चाहते हैं, फ्री PDF चाहते हैं, तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी दोस्तों पूरी PDF फाइल 140 पेज की कंप्लीट बुक दोस्तों पड़ी हुई है, तो वहां से आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम वैसे आपको इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे। तो ये पूरा संविधान कंप्लीट पेज बाई पेज पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो। तो एक बार आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों एक सीरीज ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर रखी है। वो है दोस्तों आपके GK GS और डेली ग्रुप डिस्कशन की। और इसमें दोस्तों आपको डेली का GK GS का पूरा ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। इससे दोस्तों आपको सभी लोगों को फायदा रहने वाला है। अब इसमें फायदा दोस्तों ये रहता है कि इसमें से दोस्तों हम आपको कोई भी दोस्तों GK और GS से करंट अफेयर्स या UP GK से कोई भी एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका जवाब दोस्तों आपको लाइव चैट में देना होता है, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। आपको दोस्तों डेली रात को 8 बजे दोस्तों लाइव आना है, और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़िएगा, तभी दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में मज़ा आएगा। तो ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों आपको कहीं से भी किसी भी बुक का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको दोस्तों आपको बताना होता है लाइव चैट में। और आपको बता दें कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको नोट्स भी बनवाए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों डिस्कशन होता है और आपको दोस्तों नोट्स बनाने के लिए इसी में बोला जाता है। तो नोट्स जरूर बना लेना इस ग्रुप डिस्कशन को। डेली रात 8 बजे दोस्तों आपको क्लास दोस्तों इसकी इसी चैनल पर होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। और साथ में ही दोस्तों हमने आप लोगों के लिए SSC GD स्पेशल तो रहने ही वाली है, वैसे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसमें हम आप लोगों के लिए GK GS बिल्कुल पेपर जैसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बेस्ट 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों हमने इसमें स्पेशल तौर से रखे हैं, जिसमें दोस्तों हमने ये प्रैक्टिस सेट की दोस्तों हमारी प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है दोस्तों ये 6वीं क्लास है। ऑलरेडी 5 क्लासें हो चुकी हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बेस्ट 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्लास आपकी दोस्तों 4 तारीख को दोपहर को 3 बजे दोस्तों ये क्लास होगी। तो इस क्लास में दोस्तों जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यदि जो भी कैंडिडेट SSC GD UP पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो दोस्तों ये रामबाड़ रहने वाली ही है। साथ में दोस्तों अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसकी खास बात यह है कि आपको सेम पूरा पैटर्न पेपर के ही हिसाब से देखने को मिलेगा। हालांकि SSC GD में आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन आने वाले हैं अब की बार जो एग्जाम होगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए बेस्ट 25 चॉइस करके क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि दोस्तों जाओ एग्जाम में पैटर्न कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ पूछते। इसमें आपको दोस्तों प्लस 5 क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बेस्ट 25 क्वेश्चन सेम एग्जाम के थ्रू जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीरीज में दोस्तों बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। और आपको बता दिए क्लास दोस्तों बिल्कुल कम समय की रहने वाली है, 10 से 12 मिनट की ये क्लास रहेगी, और हम कम समय में दोस्तों बेहतरीन 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो इस क्लास में दोस्तों जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, केवल 10 या 12 मिनट की क्लास रहेगी, जो कि आपको दोस्तों यहाँ से 100% 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्लास को दोस्तों जरूर देखिएगा, केवल 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी, तो इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। याद रखिएगा समय आपका 3 बजे है और दोस्तों दिनांक 4 बजे, यानी दोस्तों
ये सीरीज आपकी कल से दोस्तों ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं दोस्तों आपके अपने संविधान पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद थे उन सभी को कवर कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आते अपने आज के टॉपिक पर। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पिछली क्लासों में हमने भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद थे उन सभी को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो क्लास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वहाँ से दोस्तों आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे आप सभी लोग अपने दोस्तों में। आज क्लास दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो बात करते हैं दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के बारे में। तो आपको बता दें कि दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसको दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है, इसमें भारतीय संघ के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इसको दोस्तों समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनता है, तो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बनने वाला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों का वर्णन किया गया है या भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों पहली अनुसूची में। याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान के संघ राज्यों साथ में दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का उल्लेख आपको संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों ये भी देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी अनुसूचियां पढ़नी होगी क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों ये तो क्वेश्चन बनना ही है संविधान से। तो क्यों ना दोस्तों ये एक नंबर दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर 100% कर लिया जाए। तो दोस्तों इसमें सभी अनुसूचियों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दूसरे अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है कि इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते, यानी कि दोस्तों इसमें भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दोस्तों जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, उन सभी के वेतनों का उल्लेख आपको संविधान की दूसरी अनुसूची में दर्शाया गया है। पहली अनुसूची में आपके भारतीय संघ के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को लिए है और आपको दोस्तों दूसरे अनुसूची में जितने भी विभिन्न अधिकारी हैं उन सभी के वेतन भत्ते की जो भी उल्लेख किया गया है वो आपको संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए संविधान की तीसरी अनुसूची। ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। दोस्तों तीसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक शपथ का ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण कोई भी दोस्तों, आप चाहे आपका चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी दोस्तों अपनी जो है शपथ ग्रहण करता है। जब आप दोस्तों जॉब करेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस की जॉब हो या UPSI की, उसमें भी आपका शपथ ग्रहण होता है। तो दोस्तों उसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो भी शपथ ग्रहण ली जाती है तो उनकी शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। याद रखिएगा संविधान की तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए चौथी अनुसूची की बात करते हैं। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि इसमें विभिन्न राज्यों, जितने भी राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण ये आपकी संविधान की चौथी अनुसूची में दर्शाया गया है। क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों ये भी है आपकी पाँचवीं अनुसूची। याद रखिएगा दोस्तों पाँचवीं अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें अनुसूचित जाति, जितने भी दोस्तों अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आप समझ लीजिएगा दोस्तों, समझ चुके होंगे कि अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों संविधान की पाँचवीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों अनुसूचित जाति का उल्लेख संविधान की पाँचवीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की छठवीं अनुसूची, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के जितने भी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। यानी कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह है जो आप देख पा रहे हैं अंडरलाइन सर्किल में है, इसका नाम है जनजाति। जितने भी जनजाति, जैसे कि आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ की हैं दोस्तों, ये आपकी मेघालय की जनजातियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजातियाँ हैं, मेघालय की। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ये जितनी भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जितनी भी जनजातियाँ हैं उनका सभी उल्लेख संविधान की छठी अनुसूची में दर्शाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के बारे में। चलिए सातवीं अनुसूची में दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच
इसमें भी दोस्तों आपके केंद्र और राज्यों के बीच के बारे में दर्शाया गया है, केंद्र और राज्यों के बारे में दर्शाया गया है संविधान की सातवीं अनुसूची में। इसका दोस्तों नेक्स्ट पेपर आपको नेक्स्ट पार्ट में देते हैं। संविधान की दोस्तों सातवीं अनुसूची में आपको दोस्तों राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियों के बारे में दर्शाया गया। संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों? सातवीं अनुसूची में दोस्तों राज्यों की एवं संघ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियों के बारे में दोस्तों इसमें दर्शाया गया है। साथ में दोस्तों इसके अंतर्गत तीन सूचियां और आती हैं, किसके अंतर्गत? और दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवीं अनुसूचियों में सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी सूचियाँ आती हैं। तो आप सभी को पता होगा नंबर एक संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ये सभी आपको दोस्तों अपनी कॉपी में नोट बनाकर नोट कर लेना है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ये जितनी भी दोस्तों तीन अनुसूचियां हैं ये आपके भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के बारे में बताती हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो कि दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी संघ सूची। संघ सूची में दोस्तों कहा गया है कि इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार के कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इसमें 100 विषय हो गए हैं। कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों? 100 सब्जेक्ट हैं। याद रखिएगा दोस्तों संघ सूची में जो पहले दोस्तों संविधान के लागू होने के समय, जब दोस्तों आपका भारतीय संविधान 19 कब लागू हुआ था इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। भारतीय संविधान दोस्तों आपका कब लागू हुआ था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना इस वीडियो के लास्ट में। तो याद रखना दोस्तों जब भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था उस टाइम दोस्तों इसमें 97 विषय थे, लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इसमें आपके 100 विषय हो गए हैं। कितने दोस्तों? 100 हो गए हैं। इस केवल इसमें दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय संविधान के समय संघ सूची में कितने विषय थे। तो पहले थे दोस्तों आपके 97, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में बात पूछा जाए कि अब कितने हैं, तो अब हो जाएंगे दोस्तों 100, यानी कि दोस्तों 97 + 3, इसमें दोस्तों आपके 3 विषय ऐड हो गए हैं। कितने? 3। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपकी राज्य सूची, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। याद रखिएगा दोस्तों जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम दोस्तों इसमें 66 यानी कि दोस्तों 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में अब कितने हो गए हैं दोस्तों? अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इसमें 61 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं, यानी कि दोस्तों इसमें आपके 5 माइनस हो गए हैं। कितने माइनस हो गए हैं? 5 कम हो गए हैं। अब वर्तमान में दोस्तों इसमें राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं आपके। याद रखिएगा दोस्तों जितना भी दोस्तों इसमें रेड पॉइंट दिया है, जितने भी हम चीज़ें इसमें सर्किल में और इंपॉर्टेंट बताते हैं वो अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपकी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर याद रखिएगा दोस्तों समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जब दोस्तों इस पर कानून तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने चाहिए, इस पर दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून सबसे पहले मान्य होगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया कि संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए? 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? 52। पहले जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52। याद रखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। अब इसमें बनेगा सिर्फ यही बनेगा कि समवर्ती सूची में संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे, तो याद आएंगे आप 47, और वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। क्लियर। चलिए इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के बारे में। आठवीं अनुसूची के बारे में जल्दी बात करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया तो पहले तो दोस्तों आप जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपको दोस्तों नीचे रेड बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आठवीं अनुसूची में ये भी कहा गया है कि इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि ये अनुसूची आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है। तो समझ जाएंगे 100% इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाला है। तो आठवीं अनुसूची में अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, तो आपका आंसर आना चाहिए आठवीं अनुसूची में किसकी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है संविधान की आठवीं अनुसूची में। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं,
परंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरो एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले जो संविधान में मूल रूप से अनुसूचियाँ में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 में सिंधी को और 1992 में मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपकी जो है 22 भाषाएं दोस्तों अब हो गई हैं वर्तमान में। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के आठवीं अनुसूची में इनका उल्लेख मिलता है। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि आठवीं अनुसूची में कितने किसका उल्लेख मिलता है, केवल 22 भाषाओं का ही उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में दोस्तों बात करते हैं किसका वर्णन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नौवीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई और यह भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि के सुधार से संबंध रखता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची है, यह दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों इसको जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन सेम बनने वाला आपके एग्जाम में यही बनेगा कि संविधान की किस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नौवीं अनुसूची को, संविधान संशोधन जो आपका 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, उसको दोस्तों इसमें नौवीं अनुसूची में ऐड किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। याद रखिएगा 1951 में संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यहाँ से एक बन ही गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये किससे संबंध रखता है, भूमि सुधार से, भूमि सुधार से दोस्तों ये संबंध रखता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संविधान की दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है। तो दसवीं अनुसूची में दोस्तों 52वें संविधान संशोधन जो आपके आपका 1985 को दोस्तों इसमें जोड़ा गया है, और इसमें दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित है, दल बदल, ये इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझे कि 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 को हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1985 को होने वाला जो 52वां संविधान संशोधन है, ये संविधान की दसवीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है, और ये इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। याद रखिएगा, इसमें दल बदल से संविधान का उल्लिखित हैं संविधान की दसवीं अनुसूची में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, जब भी हम आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बोला करें या पढ़ाया करें, तो आप भी दोस्तों मन ही मन बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो मन ही मन बोलने से होता क्या है, आपको दोस्तों रिवीजन तो होगा ही, साथ में दोस्तों आपको याद भी होते चले जाएंगे। ठीक है, पहली बात आप तो दिमाग को कंसंट्रेट करके बैठिएगा, केवल आपको समझना है, समझ गए तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है दोस्तों 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची जो कि इसमें कहा गया कि है पंचायती राज से संबंध, यह है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, इसमें 29 विषय दिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 29 विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, और 73वें संविधान संशोधन 1993 को 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंध रखता है, और इसको 73वें संविधान संशोधन को 1993 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में कहा गया शहरी क्षेत्रों, जितने भी शहर नगर क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख मिलता है, और शहरी क्षेत्रों में इसमें 18 विषय दिए गए हैं, और यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसको दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, कब जोड़ी गई थी, 1993 में जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन में, 74वें संविधान संशोधन में। इसमें विषय कितने थे, 18 विषय थे। किस अनुसूची में, संविधान की 12 अनुसूची में। इसके प्रशासन के किसके, प्रशासन इसमें किसके बारे में दर्शाता है, शहरी क्षेत्रों के बारे में दर्शाता है। बस आपको ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंटों को याद रखना है। क्लियर, चलिए अब बात आती है दोस्तों अपने मौलिक अधिकार के बारे में। अब दोस्तों आपको अपने कान, कॉपी, पेन सब खुले रखना है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। यहाँ से यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया या आपने नोट्स नहीं बनाया, तो इसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे दोस्तों। ठीक है, और पीडीएफ तो आपको मैंने पहले बता दिया, पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़ा हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बोले जाते हैं उसको तो कॉपी में नोट कर लेना है, पूरी बुक आपको नहीं नोट करना है, केवल आपको समझना है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और अपने यहाँ से जो है नोट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बोलता हूँ मैं, उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकार, जो कि आपका एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ तक दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है संविधान के भाग 3 में। ठीक है,
नेक्स्ट, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा जस्ट अपोजिट आपसे पूछ सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या कौन सा अधिकार लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा अधिकार लिया गया है? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए, संविधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र यानी भारत का मैग्ना कार्टा, ये तो रट लो या छाप लो, दो में से एक काम कर लो या दोनों कर लो, समझे? ये क्वेश्चन तो भाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला प्रश्न है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अभी किस एग्ज़ाम में पूछ दे ये इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैग्ना कार्टा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। ये भी आप जान लीजिए, काफ़ी लोगों को मैग्ना कार्टा ही सुने होंगे, लेकिन मैग्ना कार्टा का अर्थ पता नहीं होगा, तो आप अर्थ भी जान गए होंगे, अधिकार पत्र होता है, अधिकार पत्र बोलते हैं दोस्तों मैग्ना कार्टा को। तो भारत के जो मैग्ना कार्टा है या अधिकार पत्र है तो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल सकता है संविधान के भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, तो याद रखिएगा दोस्तों भाग तीन को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन, एक बार इसको सर्कल किए दे रहा हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से नोट करना है, ठीक है? एक बार आप लोग कॉपी में नोट करेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। कुछ भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको दोस्तों समझना है, आपके ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा डैश करके लिख दीजिएगा, संविधान के भाग तीन को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर, समझ चुके होंगे? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात आती है दोस्तों मूल संविधान, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसमें से दोस्तों हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार दोस्तों किस संविधान संशोधन से हटाया गया है? तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 को दोस्तों इसके संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का वर्णन मिलता है, किसमें? इसी संविधान में। कौन से संविधान में? मौलिक अधिकार में, और इसी संविधान के भाग 12 में दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा 300 में, 300 के अंतर्गत इसमें अधिकारी कानूनी अधिकारी बना दिया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन दोस्तों अब तो आने वाला है। क्लास दोस्तों मैंने पहले से बोल रखा है कि क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले जाइए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों आपातकालीन स्थिति में निलंबित नहीं होता है दोस्तों, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है, हालांकि ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख, ठीक है? चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कारखानों आदि में, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई, इस तरह से तो क्वेश्चन बनता ही है आपके एग्ज़ाम में। कारखानों आदि में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों 13 से 14 साल की कम उम्र के बच्चे, उनको दोस्तों कार्य रखने पर प्रतिबंध, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। पहले दोस्तों बच्चे हुआ करते थे 13-14, उनकी मजबूरियाँ होती थी, वो दोस्तों छोटे मोटे कंपनी कारखानों में काम करने लगते थे, तो दोस्तों वो गलत था, क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ इंडिया में क्या है, जब तक
कैंडिडेट 18 साल प्लस नहीं हो जाता है ना, तब तक वो मतलब किसी भी कार्य के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो 18 प्लस के बाद दोस्तों वो एलिजिबल हो जाता है, 18 साल के बाद वह दोस्तों एलिजिबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे कम उम्र के हैं, तो उनको दोस्तों काम करना, किसी भी कंपनी में जाना सही नहीं है। तो उस बार जो है दोस्तों उस समय दोस्तों इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया था, तो याद रखिएगा आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो 13 से 14 साल के, उनके अंतर्गत दोस्तों इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था आर्टिकल 24 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की, अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है ना वो आप समझ ही जाते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया होगा काफ़ी लोगों ने। तो याद रखिएगा अब देखिए क्वेश्चन आपका एक पॉइंट दिया है, इसमें क्वेश्चन आपके दो बनेंगे। कैसे बनेंगे समझिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल भी पूछ सकता है दोस्तों, कोई पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ दे। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की किस आत्मा को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान, अब देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू का नाम का भी जिक्र किया जाएगा और भीमराव अंबेडकर, ये दोनों पॉइंट में से एक बार इस बॉक्स में बंद कर देता हूँ और यहाँ से नोट्स बना के इन दोनों पॉइंट को ऊपर नीचे जरूर लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से लिखिएगा आप लोग। देखिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अब देखिए भारतीय संविधान की आत्मा ये भी है और भारतीय संविधान की आत्मा ये भी है। अब आपको दोस्तों ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर भी मिलेंगे और जवाहरलाल भी मिलेंगे, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अब आत्मा तो दोनों ने कहा है, लेकिन भीमराव ने आर्टिकल 32 को कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर की मंत्री का दर्जा मिलता है। दोस्तों याद रखिए दोस्तों भारत रत्न के धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा भी मिलता है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 खा में है। याद रखिए दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 खा में है। क्लियर। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बुक में दिया है तो पढ़ा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं पहले से ही बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया रखा है कि मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया ना आपके लिए। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी भी देखिए, क्वेश्चन में यहाँ से बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा तो उसको कॉपी में अंडरलाइन करके दोस्तों नोट कर लीजिएगा, डैश करके उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, डैश करके लिख दीजिएगा उसके सामने, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों यह बात आपके केशवानंद भारती मामले में मिलती है जो कि 1973 में कहा गया था। क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन नोट करने हैं अपनी कॉपी में। चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया, तो डैश करके लिख देंगे मोरारजी देसाई ने। क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, बताएंगे दोस्तों
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ या कब हुआ? तो याद रखिएगा 1979 को, वर्ष 1979 को हुआ, जिसे मोरारजी देसाई सरकार ने गठन इसका किया था। क्लियर? तो पॉइंट एक है, क्वेश्चन आपके दो बन गए। क्लियर, याद रखना दोस्तों दोनों क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का इसमें कहा गया है कि इसमें इसकी अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से ये बनता है, और इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21 का, आर्टिकल 21 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराती है या करवाता है या करवाएगी या कराएगा, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का में, ये का को मत भूल जाना, ये समझना नहीं, मत समझना कि इसमें का लिख दिया, ये का क्या है। तो याद रखिए दोस्तों का, खा, गा, ये सभी संविधान में ही दर्शाए गए, तो आर्टिकल 21 का में दर्शाया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 13। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या दर्शाया गया। अनुच्छेद 13 संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद को जन्म देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13 को जन्म देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) के काम में दर्शाया गया है तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं, इस पॉइंट में, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पॉइंट आपका यही बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की दोस्तों इसमें जो रिट हैं आपकी जारी की जाती हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या एसएससी जीडी में ही पूछा है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटें जारी होती हैं? 5 प्रकार की, याद रख लीजिएगा। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा दोस्तों पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा है आपका उत्प्रेषण, चौथा है आपका प्रतिषेध, और 5वां है आपका अधिकार प्रच्छा। तो एक बार आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी होती हैं। आंसर आपका आ जाएगा 5 प्रकार की। दूसरी क्वेश्चन दूसरा लिखना है कौन कौन से 5 प्रकार हैं आपके, बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1 हेडिंग डाल के लिख लेना है, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेषण, नंबर 4 प्रतिषेध, और नंबर 5 अधिकार प्रच्छा। चलिए नेक्स्ट है हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला दिया है समानता का अधिकार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, इसकी चर्चा इसमें दी गई है। तो याद रखिए दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक उपलब्ध है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उपलब्ध है। अब देखिए दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा, समझना ही होगा तभी आपको याद होगी। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। याद रखिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 24 तक आपका ये मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक मिलता है, याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए दिया गया है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट आपको कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों नोट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी में अपने नोट जरूर कर लेना, नहीं तो आप बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों के लिए पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, इसमें आपका वर्णन मिलता है। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक मिलता है। नेक्स्ट 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको तो आप अपने कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आप लोगों के लिए बनने वाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है, ये भी घूम के क्वेश्चन पूछ सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी 6 पॉइंटों को जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अब बात आती है आपकी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो आज की जो दोस्तों क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो आगे की जो चर्चा होगी वो हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जिससे दोस्तों आप इस येलो बुक को हम पेज बाई पेज कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।